नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। बिहार में 1 जुलाई से एक बार प्रयोग होने वाले यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार में भी 120 माइक्रोन की मोटाई वाले प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। प्लास्टिक से बने कैरी बैग, प्लेट, कप, गुब्बारों की डंडियां, चम्मच आदि का उपयोग कोई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक की इन वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नहीं कर पाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक। केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के बाद से इस तरह का प्लास्टिक उपयोग करके वस्तु बनाने वाले उत्पाद और उनके इस्तेमाल करने वाले वस्तुओं को 1 साल का समय दिया गया था। इन वस्तुओं को ठिकाने लगाना था। इस समय अवधि 1 जुलाई को खत्म हो गई। इसी दिन से ऐसे प्लास्टिक के उपयोग पर रोक रहेगी। इस तरह प्लास्टिक से प्रदेश में प्रदूषण न फैले, इसे देखते हुए पूरी तरीके से रोक रहेगी। वह केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह का प्रयोग हुआ है। अभी तक इस तरह के नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट जारी करती रही थी। दूसरी बात यह है कि जिन आइटम पर रोक लगाने की तैयारी है, उन आइटम की पहचान भी स्टडी के आधार पर किया गया है। यह भी पहली बार हुआ है। ग्राउंड पर इसका असर देखने के लिए कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं। एनफोर्समेंट इसमें अहम भूमिका निभाएगी। आने वाले समय में ऐसी और भी चीज़ें पहचाननी होगी और इन सब पर रोक लगानी होगी। फैक्ट्री वाले का सबसे अहम रोल होगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें कितना नुकसान कर रही है। फैक्ट्री वालों को ऑप्शन देने होंगे कि वह दूसरी चीज़ें बनाए, जैसे कि निश्चित मोटाई के कैरी बैग। इन प्लास्टिक वस्तुओं पर रहेगी रोक। हम आगे जानेंगे कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर साफ तौर पर रोक लगाई जाएगी। अस्टायरीन वस्तुओं सहित एक प्रयोग प्लास्टिक यानी कि एक बार जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वैसी वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडार, वितरण और उपयोग पर रोक लगाई जाएगी। इन वस्तुओं के प्लास्टिक युक्त एयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉलीएस्टरीन की सजावटी निर्माण की वस्तुएं, इसके अलावा प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटे की चम्मच, चाकू, अस्ट्रा जैसी कटलरी, मिठाई और डिब्बों के लपेटने वाले प्लास्टिक फिल्में, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पे बने बैनरों को भी रोक लगाई जाएगी। कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर यह लागू नहीं होगा। सबसे अधिक कचरा सिंगल यूज प्लास्टिक से ही होता है। प्लास्टिक कचरे में सबसे अधिक कचरा सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है। जानकारों के अनुसार यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक होता है। यहाँ पर स्कूलों में इसके प्रयोग की बात है तो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए चावल को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थों के लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सरकारी व निजी स्कूलों के बाहर इसका इस्तेमाल हम धड़ल्ले से देख सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक जैसा कि नाम से ही साफ है, ऐसे प्रोडक्ट जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। इसे आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता, साथ ही इन्हें रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि प्रदूषण को बढ़ाने में सिंगल यूज प्लास्टिक की अहम भूमिका होती है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वाली इन वस्तुओं पर बैन होगी। इसमें 100 माइक्रोन से भी कम मोटाई की प्लास्टिक बैनर शामिल हैं, जैसे कि गुब्बारा, फ्लैग, कैंडी, ईयरबड्स, स्टिक और मिठाई बॉक्स, क्लिंग रैपर की भी शामिल हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा है कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को भी 31 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन करने पर जोर दे रही है, ताकि हम जो है प्रदूषण को बचा सकें, अपनी ज़मीन को बचा सकें। क्योंकि प्लास्टिक जो है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है खासकर, वो ज़मीन के अंदर भी ना तो उसका कुछ होता है, यानी कि ना सड़ता है ना गलता है। ऐसे में ज़मीन भी नुकसानदेह है, जल तो नुकसानदेह हो ही रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।